जय हिंद, वेलकम टू लायन टेक्निकल हब। लायन टेक्निकल हब में आपका स्वागत है। आई एम लायन सर, हैविंग 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्री। एंड दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेस मोटर। ये है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और स्पेशली जो है जेईई, एसएससी और बहुत सारे एग्जाम्स के लिए जो है ये पूछे जाते हैं। बहुत इस समय जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक तरह से बोल सकते हैं बर्निंग टॉपिक्स है। और अक्सर उसमें ये पूछा जाता है कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, या किस बेस पे काम करता है, या उसमें से और डिटेल में पूछेगा तो पूछ सकता है कि इसके आरपीएम को कैसे कंट्रोल करते हैं, और इस तरह से इसका कैरेक्टरिस्टिक के बारे में भी पूछ लेता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। मैं सारी एक ही चीज़ें आपको इसमें कवर करूँगा कि कैसे वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे, कैसे इसके जो है आरपीएम को कैसे हम कंट्रोल करेंगे। और ये जो है मोटर वाइडली यूज होती है आपके हाई स्पीड लिफ्ट के लिए, एंड फैन एंड पंप्स के लिए यूज होती है, ड्राइव्स में यूज होती है, प्रिंटिंग प्रेस में यूज होती है, और पल्वराइज्ड फ्यूल टैंक है, स्टॉकर्स में यूज करते हैं, एंड टेक्सटाइल में बहुत सारे ऐसे मशीन हैं जिसमें हम इसको यूज करते हैं, राइट। और मैं आपको बताऊं कि इसकी जो कंट्रोल है काफी अच्छा है, वाइड कंट्रोल है, यानी कि स्लो आरपीएम से लेकर के बहुत हाई आरपीएम में भी इसको जो है हम इसको बहुत ही इफिशियंटली यूज करते हैं। इसकी इफिशियंसी जो है सेक्रीफाइस नहीं होती है, काफी अच्छी इफिशियंसी रहती है इसकी, और टॉर्क भी हमें काफी अच्छा मिल जाता है इसमें, और इसीलिए हम इसको ड्राइव में यूज करते हैं, राइट। तो मैं आपको बता दूं कि बेसिकली इसमें जो है स्ट्रेस मोटर में आप देखेंगे, यहाँ पर हमने एक डायग्राम बना रखा है ताकि आपका जो है इसमें टाइम वेस्ट ना हो। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक वाइंडिंग है और दूसरी वाइंडिंग यहाँ पर ये है, टोटल यहाँ तीन वाइंडिंग है, यानी कि रोटर में दो वाइंडिंग है और एक वाइंडिंग स्टेटर्स में है, राइट। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दोस्त जो अभी हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के मैं टेक्निकल वीडियोज बनाता रहता हूं, उसका नोटिफिकेशन उनको मिल जाए और इसका फायदा उठा सके, राइट। तो आइए शुरू करते हैं फिर। ये जो आपने देखा वाइंडिंग्स, और मैंने यहाँ पर बना रखा है ये रोटर। रोटर में जो है आप देख सकते हैं कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग है और प्राइमरी वाइंडिंग, ये रोटर्स के अंदर है। और दूसरी वाइंडिंग जो मैं आपको दिखा रहा था, यानी ये वाली वाइंडिंग है, ये आपका स्टेटर के अंदर होती है, यानी ये है सेकेंडरी वाइंडिंग, राइट। तो आपका जो रोटर में है, रोटर में एक ऊपर वाइंडिंग यानी आउटर साइड में एक वाइंडिंग होती है और दूसरा इनर होती है। इनर में आपका ये है प्राइमरी वाइंडिंग और आउटर साइड में कंपनसेटिंग वाइंडिंग। कंपनसेटिंग वाइंडिंग को आप टर्शियरी वाइंडिंग भी बोलते हैं, राइट, और रेगुलेटिंग वाइंडिंग भी बोलते हैं। तो आप याद रखिए, जो रोटर वाइंडिंग में जो टॉप साइड में होती है यानी आउटर साइड में होती है उसको बोलते हैं रेगुलेटिंग वाइंडिंग। यहाँ आप देख सकते हैं इस वाइंडिंग की बात कर रहा हूं मैं, ये रोटर में जो ऊपर साइड है ये रेगुलेटिंग वाइंडिंग भी है, टर्शियरी वाइंडिंग भी है, और आपका ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग भी है। इसको तीनों चीज बोल सकते हैं आप, राइट। और ये जो अंदर में है ये है आपका प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है स्ट्रेस मोटर में हम जो सप्लाई देते हैं थ्री फेज एसी, आप ऊपर से देखिए थ्री फेज एसी सप्लाई देते हैं, ये हम देते हैं रोटर में प्राइमरी वाइंडिंग को, राइट। और ये जो है यहाँ पर इसके स्लिप रिंग बनी हुई है, ये तीन स्लिप रिंग बनाया है, यहाँ पर ब्रशेस के हेल्प से इसको हम रोटर को सप्लाई देते हैं। और इसको जब सप्लाई मिली तो क्या होता है, हमारा थ्री फेज सप्लाई है, आप जानते हैं कि थ्री फेज सप्लाई का नेचर है अल्टरनेटिंग आता है, और उसमें आप देखेंगे कि मैग्नीट्यूड में एक बार आर वाई भी है, तो एक बार रेड का जो है कि मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा, फिर वाई का होगा, येलो का होगा, देन फिर ब्लू का होगा, राइट। तो इस तरह से ये चेंजिंग होता है, और 50 साइकिल की बात करेंगे तो यानी कि एक सेकेंड में 50 टाइम्स इस तरह से चेंज होगा, राइट। तो क्या होगा कि जब हमने इसको सप्लाई दिया तो इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो गया, राइट। और ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो जनरेट हुआ उससे क्या होगा, जो दूसरी वाइंडिंग जो आपने ऊपर देख रहे हो, यहाँ पर है कंपनसेटिंग वाइंडिंग यानी रेगुलेटिंग वाइंडिंग या टर्शियरी वाइंडिंग, तो इसके अंदर भी, क्योंकि ये भी कट होगा तो इसके अंदर भी एक ईएमएफ जनरेट होगा, राइट। और दूसरा ये जो वाइंडिंग आप ऊपर देख रहे हैं, यानी कि आपका ये सेकेंडरी वाइंडिंग है जो स्टेटर में प्लेस्ड है, लेकिन उसका एक एक एंड जो है वो आपके कम्यूटेटर है, यानी ये जो कम्यूटेटर है वहां पर कनेक्टेड है ब्रशेस के थ्रू, राइट। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि ये जो है कम्यूटेटर जो ब्रशेस के थ्रू कनेक्ट हो रहा है, वहां ऊपर दो रोक आर्म है, यानी एक रोक आर्म पे A1 है, B1 है एंड C1, जो कि ऑलरेडी इलेक्ट्रिकली 120 डिग्री अपार्ट है वो कनेक्टेड होते हैं, और दूसरे रोक आर्म पे जो होते हैं A2, B2 और C2 होते हैं, राइट।
मैं आपको बता दूं, ये जो दोनों रो का राम है इस तरह से प्लेस होते हैं, एक रो का राम हो गया, ये दूसरा रो का राम हो गया, इसके बीच में रैक एंड पिनियन, वो हैंडल आप बोल सकते हैं या वहां पर व्हील है जिसे आप कंट्रोल करेंगे। तो ये जो रैक एंड पिनियन के माध्यम से जो दो रो का राम है ये जो ऑपरेट होंगे, तो एक अगर क्लॉकवाइज ऑपरेट होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूं। जैसे आपका एक रो का राम यहां हो गया और दूसरा रो का राम इधर हो गया, राइट। तो यहां पर जो है इसका मैकेनिज्म जो बनाया हुआ है, यहां पर सपोज यहां पर टीथ बने हुए हैं, राइट, और यहां पर भी टीथ बने हुए हैं। इस पोजीशन में यहां पर आपका इस पोजीशन पे यहां पर जो टीथ बना हुआ है, यानी कि आप मान सकते हैं ये व्हील है। तो यहां से आप जो कंट्रोल करेंगे इसको, तो ये जैसे आप घुमाएंगे इसको, तो ये पोर्शन जो है इधर इधर घूमेगा तो दूसरा इस साइड में घूमेगा, राइट। अब देखिए घुमा के, जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि ए रो का राम है, तो इसको हम इधर घुमाएंगे तो ये टीथ जो है इसको इधर पुश करेगी, तो ये क्योंकि ये घूम रही है तो इधर वाला टीथ इसको इधर पुश करेगी, यानी कि ये इधर घूमेगा तो दूसरा इस साइड में घूमेगा, राइट। तो इसलिए क्या होगा, इसके ऊपर जो ब्रशेज है, इस पे A1 B1 C1 है 120 डिग्री अपार्ट, इस पे A2 B2 और C2 है जो 120 डिग्री अपार्ट। तो उससे क्या होगा, जब ये घूमेंगे तो ये जो पोजीशन है ना ब्रशेज की, जो पोजीशन है वो आपके कम्यूटेटर पे वो शिफ्ट करते हैं, राइट। तो ये जो सेगमेंट्स है, मे बी अभी यहां पर है, इसको और जब प्राट करेंगे A1 A2 तो यहां पर हो जाएगा A2, यहां A1 होगा। तो इस तरह से इसको जब हम शिफ्ट करते हैं तो फर्क क्या पड़ता है इसके शिफ्ट करने से, तो एक चीज बताऊं कि जो हमने बीच में बात किया था कि वोल्टेज जो इंजेक्ट करते हैं, वोल्टेज इंजेक्ट कौन सी वोल्टेज करेंगे, तो जब यहां पर हमने सप्लाई दिया, रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस हुआ, इससे जो है ये जो है आपका कंपनसेटिंग वाइंडिंग या रेगुलेटिंग वाइंडिंग ये जो कट हुआ इसके अंदर एक वोल्टेज इंड्यूस हुआ, राइट। तो ये जो वोल्टेज इंड्यूस हुआ, क्योंकि ये जो सेगमेंट्स है, तो जैसे अगर आप ये जिस पोजिशन पे होगा तो इसकी सप्लाई डायरेक्टली जो है A1 A2 को मिलेगी। इसमें एक पोजिशन आता है जब आपका A1 A2 B1 B2 या C1 C2 वो सेम सेगमेंट पे होते हैं, राइट, यानी कि वहां पर A1 A2 सेम सेगमेंट पे होंगे तो आपकी ये वाइंडिंग शॉर्ट हो जाएगी, और ऐसे B1 और B2 सेम सेगमेंट पे होंगे रोटर पे तो ये वाइंडिंग शॉर्ट हो जाएगी, और उस समय C1 C2 भी शॉर्ट हो जाएगी, यानी कि आपका ये जो है आपका सेकेंडरी वाइंडिंग शॉर्ट हो जाएगी, राइट। तो क्या होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग शॉर्ट है और हमारा प्राइमरी वाइंडिंग में रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो जनरेट हो रहा है, यानी कि ये फ्लक्स जो है ये जो कंडक्टर है कट करेंगे तो इसके ऊपर क्या होगा, एक EMF जनरेट होगा। हमें पता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सेज दैट व्हेनेवर ए कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट हैपेंड, इट कट्स द मैग्नेटिक फ्लक्स, व्हेन इट विल कट अ मैग्नेटिक फ्लक्स EMF विल इंड्यूस इन दैट कंडक्टर, एंड इफ द सर्किट इज क्लोज्ड व्हाट हैपेंड, अ करंट विल फ्लो इन दैट, व्हेन करंट विल फ्लो इट मींस द मैग्नेटिक फ्लक्स विल जनरेट इन दैट, सो व्हाट हैपेंड, बट इट विल बी अपोजिट इन द फ्लक्स व्हिच इट वाज बीइंग कट। तो ये जो फ्लक्स यहां जनरेट हो रहा था, यानी कि यहां अगर नॉर्थ पोल था तो यहां पर साउथ पोल हो जाएगा, उसका अपोजिट होगा, राइट, इतना समझ में आ गया। तो अभी जब ये अपोजिट होगा तो क्या होगा, उस समय जो है हमारी जो मोटर थी उसमें क्या होगा, हमें पता था कि इंडक्शन मोटर में हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स स्टेटर में हम सप्लाई देते थे तो जब जनरेट होता था तो रोटर में, यानी कि ऊपर नॉर्थ पोल जनरेट हुआ था, रोटर में साउथ होगा, तो क्या दोनों को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जो स्टेटर का ऑलरेडी रोटेटिंग फ्लक्स था तो उसको होल्ड करने की कोशिश करेगा, राइट। तो वो क्या होगा, रोटर रोटेट होना शुरू हो जाएगा, और हमने रिलेटिव स्लिप वगैरह ऐसा हमने पढ़ा था, तो वही चीज यहां पर है, लेकिन यहां पर स्टेटर में ऑलरेडी स्टेटर स्टेशनरी है और उसके स्लॉट्स में जो है ये वाइंडिंग है तो ये रोटेट नहीं हो सकती। तो क्या होगा, जब ये रोटेट नहीं हो सकती, इसके अंदर में ऑलरेडी फ्लक्स जनरेट हो रहा है, तो यहां पर क्या होगा, ये ऑलरेडी रोटेटिंग है, एक बार नॉर्थ बनेगा एक बार साउथ बनेगा, तो यहां पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा, बट हमें पता है कि हमारा रोटर है, रोटर इज फ्री टू रोटेट, तो क्या होगा, ये रोटेट करना शुरू कर देगा। तो उसी तरह से ये तो उस कंडीशन में हुआ जब इसके दोनों ब्रशेज शॉर्ट थे, तो क्या होगा, इट विल वर्क एज ए इंडक्शन मोटर, राइट। नाउ अब हम क्या करते हैं, ब्रशेज को हम शिफ्ट करते हैं रोकर आर्म के मदद से। तो हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हम उसको वाइड करेंगे तो इसका जो वोल्टेज है, यानी जनरेट हो रहा था, वो जो है बढ़ता जाएगा, और उस समय यानी कि जो इसका फ्रीक्वेंसी थी, जो वोल्टेज इसमें जनरेट हो रहा था, यदि इसका जो वोल्टेज हम यहां से इंजेक्ट कर रहे हैं वो उसको अपोज करता है, राइट, अपोज करता है, तो क्या होगा, यानी कि वोल्टेज उस समय कम हो जाएगा, यानी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो क्या होगा, उस समय में हमारा जो आरपीएम होगा मिनिमम होगा, जब ये अपोज करेगा,
यानी कि इंजेक्टेड वोल्टेज बाय रेगुलेटिंग वाइंडिंग, इफ इट इज अपोजिंग द दिस वन सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज, तो क्या होगा, हमारा आरपीएम कम होगा। और जब इसको सपोर्ट कर रहा है, यानी कि सेम फ्रीक्वेंसी के हैं और सपोर्ट कर रहा है, तो उससे हमारा आरपीएम बढ़ेगा, यानी इट विल इंक्रीज द आरपीएम, राइट। तो उसी तरह से हम इसको जो है और वाइड करते जाएंगे और ये जो है वोल्टेज हमारा बढ़ता जाएगा। वो डिपेंड करता है, हमारा एक फॉर्मूला है कि जब वो कितना होगा, एन इक्वल टू, यानी कि कितना आरपीएम होगा, हम आरपीएम कैसे इसको एडजस्ट कर सकते हैं, तो हमें पता है कि इसका जो रोटेटिंग फ्लक्स था वो क्या है, सिंक्रोनस था उसका एनएस, यानी कि ये इसके पे जो सप्लाई हम दे रहे हैं, सपोज 50 हर्ट्ज की दे रहे हैं, थ्री फेज है, तो इस पे जो सिंक्रोनस इसकी स्पीड मिलेगी, हाँ, तो उसके उससे अगर हम कंपेयर करें तो एनएस ब्रैकेट 1 माइनस के साइन 0.5 बी, इस फॉर्मूला को आप रखिएगा। ये क्या है, यानी कि आपके हमें कितना मिलेगा वो डिपेंड करता है सिंक्रोनस स्पीड कितनी है, यानी कि रोटेटिंग फ्लक्स का, उसको लिखिए ब्रैकेट में 1 माइनस के साइन 0.5 बी। और के क्या है, के यहां पर है, के है इट इज रेशियो ऑफ द टर्न्स बिटवीन द सेकेंडरी वाइंडिंग एंड रेगुलेटिंग वाइंडिंग, रेशियो ऑफ द टर्न्स बिटवीन सेकेंडरी वाइंडिंग एंड रेगुलेटिंग वाइंडिंग, राइट। तो एक के है, के आपको मिल जाएगा इन दोनों के बीच में क्या रेशियो है, दिस इज सेकेंडरी वाइंडिंग और रेगुलेटिंग वाइंडिंग के बीच का क्या रेशियो है, वो जो है टर्न रेशियो, वो आपका हो जाएगा के, राइट। और बीटा क्या है, बीटा है आपका, बीटा इज के है, यहां लिख दीजिए, यहां पर लिख दीजिए सेकेंडरी वाइंडिंग टर्न अपॉन रेगुलेटिंग वाइंडिंग, राइट, रेगुलेटिंग वाइंडिंग टर्न, दिस इज द रेशियो। और बीटा आपका क्या है, बीटा आपको मिल जाएगा, बीटा इक्वल टू दिस इज इलेक्ट्रिकल डिग्री, यानी कि A1 A2 यानी कि ये जो ब्रशेस के बीच में है, डिग्री बिटवीन A1 एंड A2, ऐसे है B1 एंड B2 एंड C1 एंड C2, इलेक्ट्रिकल डिग्री है, इलेक्ट्रिकल डिग्री, राइट, इलेक्ट्रिकल डिग्री कितना एंगल है इसके बीच में, कितना एंगल बन रहा है, वो एंगल है यानी बीटा, राइट। इस फॉर्मूला पे रखिएगा, एन इक्वल टू एन एस सिंक्रोनस आरपीएम 1 माइनस के साइन 0.5 बीटा, तो आपको एग्जैक्ट आरपीएम मिल जाएगा, कितना आरपीएम है वो आपको पता चल जाएगा, राइट। तो ये हो गया, अब हमने जान लिया कि यदि इसका जो है इंजेक्टेड वोल्टेज सेम फ्रीक्वेंसी में है और इसको सपोर्ट कर रहा है, तो हमारा वोल्टेज जो है आरपीएम सॉरी इंक्रीज होगा, और अगर इसको अपोज कर रहा है तो हमारा आरपीएम रिड्यूस होगा, राइट। तो और ये कैसे हम कंट्रोल करते हैं, रॉक और आर्म की मदद से हम करते हैं, और उसको जो है हम जब डिस्टेंस बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो हम इसको जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको बताऊं कि इसकी एफिशिएंसी काफी अच्छी होती है, और ये जो है बहुत ही स्लो आरपीएम से लेकर के हाई आरपीएम तक हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और ये सिंक्रोनस स्पीड का ट्वाइस जो है हम इसको कंट्रोल कर लेते हैं, इतना ज्यादा आरपीएम हम इसमें अचीव कर लेते हैं बाय इंजेक्टिंग वोल्टेज, राइट। तो ये हो गया, और आपको पता है दूसरा हम एक और चीज कर लेते हैं कि जो पावर फैक्टर है उसके इंप्रूवमेंट के लिए भी ये जो है काम आता है, तो वो डिपेंड करता है कि हम इस ब्रशेस के एंगल को ही वो करके कंट्रोल करके वाइड करके हम इसको जो है ज्यादा जो है इंजेक्ट करके वोल्टेज हम इसको यूनिटी पावर फैक्टर में चलाते हैं, और हमारा जो है पावर फैक्टर भी इंप्रूव होता है। तो इतना ही, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सिरेज मोटर के बारे में पूरा तरह से आप समझ गए होंगे, और फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो एक बार इसको पूरा देख लीजिएगा, और फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, मैं इसको और डिटेल्स में आपको उसको क्लियर कर दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारा जो है मनोबल बढ़ता है और आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो बनाने में मदद मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।